हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। ये वुड पॉलिश है, ये सागवान की लकड़ी है, इस पे प्यू पॉलिश होगी। इससे पहले आपको इसका पेपर पूरा जो इस पे ये पूरा पेपर निकाल देना है। पेपर निकालने के बाद आप पूरा इसको साफ कर लें, अच्छी तरीके से साफ कर लें। फिर इसका वुड फिलर से इसकी भराई करें। ये वुड फिलर मार्केट में आपको मिल जाएगा। इसकी सारी भराई करने के बाद इसकी सारी कटिया पे भराई कर लें सभी जगह। अच्छे से इसकी भराई करके इस पर 220 नंबर का रेगमार लगाएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसकी भराई करने के बाद पहले आप 80 नंबर पेपर से इसकी अच्छे से रगड़ाई करके पेपर मारने के बाद इसको ब्रश से अच्छे से साफ कर लें। आप देख सकते हैं इसका रेशा कितना अच्छा दिख रहा है। फिर इसमें वॉलनट से इसका कलर पूरा मिला दें और एक कपड़ा हाथ में लिए रहें, जहाँ कलर ज़्यादा लगे आप उससे इसको पोंछ सकते हैं, साफ कर सकते हैं। फिर अच्छे से इसको कॉटन कपड़ा ले लें, एक सभी जगह अच्छे से साफ कर लेते हैं। कलर लगाने के बाद जहाँ भी आपका ज़्यादा लगेगा निकल जाएगा। वॉलनट से इसका कलर मिलाने के बाद ये सागवान का डोर है, इसमें यू का हार्ड यू सीलर लगेगा। ये इसका नाप जो है उसी के नाप के हिसाब से रहेगा सब कुछ। समय एक डब्बा इसमें यू सीलर है, ये इसका हार्डनर है, इसका हार्डनर जितना सीलर है उतना ही हटना रहेगा। फिर इसके बाद इसमें थिनर ये है, थिनर पूरा मिक्स करने के बाद स्प्रे गन से इस पर अप्लाई करना। इसको कपड़े से छान लें, जिसमें धूल गड़ जाएगा तो वो छन जाएगा। इसको गन से पूरा अप्लाई करें पहला कोट। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आपको वीडियो मिलती रहेगी। ये पॉलिश
सबसे नंबर वन पॉलिश होती है ये मार्केट में। इसका लेबर चार्ज जोड़ें तो इसका 120 130 रुपये स्क्वायर फीट में आता है ये। और मटेरियल कास्ट बोले तो ये 300 350 400, जैसे कंपनी का माल लगेगा वैसे इसका रेट रहेगा। इसमें शाइनिंग और स्मूथ बहुत होता है ये। ये पहला कोट सीलर चढ़ा है इस पर। सीलर की भराई करने के बाद 320 या 220 नंबर से इसकी अच्छे से घिसाई करें। ये एक कोट सीलर लगने के बाद दूसरा कोट लगा है, देख सकते हैं इसमें शाइनिंग कितनी अच्छी है। इसमें एकदम शीशे जैसी शाइनिंग मिलेगी आपको। चैनल पर नया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।